हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। सैमसंग गैलेक्सी के तरफ से एक और मोबाइल लॉन्च होने वाला है दोस्तों। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सैमसंग गैलेक्सी A54 के बारे में, और यह मोबाइल 30,000 के अंदर मिलने वाला है। और जानेंगे दोस्तों इस मोबाइल में हमें 30,000 के अंदर क्या क्या मिलने वाला है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप मेरे इस नए वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ इस मोबाइल के स्पेस के बारे में। हमें इस मोबाइल में 8GB की रैम दी गई है दोस्तों, और सैमसंग एक्सिनॉस 1380 का प्रोसेसर दिया गया है दोस्तों। और इस मोबाइल के रियर कैमरा में हमें 108MP प्लस 8MP प्लस 2MP का कैमरा दिया गया है। और इस मोबाइल के फ्रंट में हमें 32MP का कैमरा दिया है। और इस मोबाइल में 6000mAh की बैटरी दी गई है दोस्तों। और हमें इस मोबाइल में बड़ी सी डिस्प्ले दी गई है जो कि 6.70 इंचेस की है। और हम बात करेंगे दोस्तों इस मोबाइल की लॉन्च डेट के बारे में, और यह मोबाइल 6 जून को लॉन्च होने वाला है दोस्तों। इस मोबाइल की ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड विद 13 का अपडेट देखने को मिलेगा। और हम बात करेंगे दोस्तों इस मोबाइल के परफॉर्मेंस के बारे में। सैमसंग एक्सिनॉस 1380 का चिपसेट दिया गया है दोस्तों। इस मोबाइल में हमें आर्किटेक्चर 64-bit का मिलता है दोस्तों, और फैब्रिकेशन 5nm का। और इस मोबाइल की ग्राफिक्स मान लीजिए 68MP है। और इस मोबाइल में 8GB की रैम दी गई है दोस्तों। अब हम बात करेंगे दोस्तों इस मोबाइल के डिस्प्ले के बारे में। इस मोबाइल में हमें सुपर एमोलेड प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो इसकी स्क्रीन साइज 6.70 इंचेस की है। और इस मोबाइल में एक्सेप्ट रेशियो 20:9 का दिया गया है। और इस मोबाइल में मल्टी टच स्क्रीन देखने को मिलती है दोस्तों। इस मोबाइल में 120Hz रिफ्रेश रेट देखने को मिलती है दोस्तों। अब हम बात करेंगे इस मोबाइल के डिज़ाइन के बारे में। इस मोबाइल की जो हाइट है दोस्तों, जो 164.9mm है, और इस मोबाइल का वेट 77.3mm, और इस मोबाइल की थिकनेस दोस्तों 8.4mm की दी गई है, और इस मोबाइल का वेट 199g है दोस्तों। अब हम बात करेंगे इस मोबाइल के रियर कैमरा के बारे में। हमें इस मोबाइल के बैक में ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाता है दोस्तों, जो इसमें 108MP प्राइमरी कैमरा है, जो लेंस फ्यूचर वाइड एंगल है। और इस मोबाइल में 8MP का सेकेंडरी कैमरा दिया गया है, जो लेंस फ्यूचर अल्ट्रा वाइड एंगल है। और इस मोबाइल में 2MP का टेरिटरी कैमरा दिया गया है, जो कि लेंस फ्यूचर डेप्थ दिया गया है। और इस मोबाइल में LED फ्लैश लाइट दी गई है दोस्तों। और इस मोबाइल की सेटिंग एक्सपोजर कॉम्पेंसेशन ISO कंट्रोल देखने को मिलता है। और इस मोबाइल में शूटिंग मोड, कंटिन्यू शूटिंग, हाइट डायनेमिक रेंज मोड देखने को मिलता है। और इस मोबाइल में दोस्तों डिजिटल जूम, ऑटो फ्लैश, फेस डिटेक्शन, टच टू फोकस कैमरा फीचर्स देखने को मिलता है। और इस कैमरा से दोस्तों Full HD 30fps और 4K 30fps पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों इस मोबाइल के फ्रंट कैमरे के बारे में। इस मोबाइल के फ्रंट में हमें 32MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है, जो कि लेंस फ्यूचर वाइड एंगल है। और इस कैमरा से दोस्तों Full HD 30fps और 4K 30fps पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इस मोबाइल की बैटरी के बारे में। इस मोबाइल में हमें 6000mAh की कैपेसिटी दी गई है, और इस मोबाइल में 25V फास्ट चार्जिंग दी गई है, जो USB टाइप सी है। अब हम बात करेंगे इस मोबाइल के स्टोरेज के बारे में। इस मोबाइल में हमें 256GB की इंटरनल मेमोरी देखने को मिल जाती है, और आप इसे 1TB तक एक्सपेंडेबल कर सकते हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे इस मोबाइल के मल्टीमीडिया के बारे में। हमें इस मोबाइल में लाउड स्पीकर देखने को मिल जाता है दोस्तों, और इस मोबाइल की ऑडियो जैक USB टाइप सी है दोस्तों। और इस मोबाइल में हमें इन फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है दोस्तों। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा।